हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने लास्ट पीरियड में हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था लेग एंड स्टमक एक्सरसाइज। टॉपिक का नाम था लेग और स्टमक एक्सरसाइज, जिसमें हमने चार एक्सरसाइज किए थे, चार एक्सरसाइज हमने सीखे थे। आज हम सबसे पहले आगे की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम वो चार एक्सरसाइज का रिविजन करेंगे और उसके बाद में नए एक्सरसाइज हम सीखेंगे। तो कौन से हमने एक्सरसाइज किए थे, सीखे थे, आज उसके बारे में मैं बताऊं। हमने फोर एक्सरसाइज किए थे, जो उसका नाम है नी ट्रंक क्रंचेस, लेग ड्रॉप्स, नी ड्राइव और प्लैंक। ऐसे ये फोर एक्सरसाइज हमने किए थे। तो चलो शुरुआत करते हैं नी ट्रंक क्रंचेस के साथ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सारी चीजें हमने पहले बताई है, आज हम खाली रिवीजन करेंगे और नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मैं रिवीजन के लिए शुरू करता हूं। नी टक क्रंच, बॉडी को इस तरह से ये करना है और फिर पैर को उठा के नीचे पुश करके आगे ये करना है। एक मिनट, रेडी? तो मैं शुरू करता हूं एक्सरसाइज नंबर वन, नी टक क्रंच। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग ड्रॉप। सेम इसी तरह से हमें लेट जाना है, लेटने के बाद पैर को इस तरह से लेके नीचे लाना है। ये हो गए हमारे दो एक्सरसाइज। नंबर थ्री एक्सरसाइज है नी ड्राइव, जो हमें खड़े होकर करनी है। रेडी स्टार्ट। नंबर फोर एक्सरसाइज प्लंक, वो भी हमें लेट के ही करनी है, लेकिन इस तरह से हमारे एल्बो के ऊपर और बॉडी को होल्ड करना है। ये थे हमारे फोर एक्सरसाइज जो हमने छुट्टियों से पहले किए थे, सीखे थे। आगे के नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम शुरू करेंगे। आज जो हम एक्सरसाइज सीखने वाले हैं उन एक्सरसाइज का नाम है हाई नी जैक, हिप थ्रस्ट, माउंटेन क्लाइंबर। ऐसे ये तीन एक्सरसाइज आज हम सीखेंगे। पहले हमने जो सीखा था उसका रिविजन किया, लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं वो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो चलो एक्सरसाइज आगे ये जो तीनों के तीनों हैं, दो इसमें से दो एक्सरसाइज है जो स्टैंडिंग मोमेंट में है और एक जो है जो लेट के करनी है, लेकिन किस तरह से करनी वो मैं बताऊंगा। तो आपको माउंटेन क्लाइंबर इसके पहले सिखाएंगे, तो माउंटेन क्लाइंबर ही अलग एक्सरसाइज है, लेकिन ये दोनों एक्सरसाइज आपने स्टैंडिंग मोमेंट में करनी है। तो पहली एक्सरसाइज है हाई नी जैक। आपने हाथों को शोल्डर लेवल पे लेना है इस तरह से और प्रेस करना है, वन टू, यानी पैर उठा के नीचे क्लैप, फिर शोल्डर स्ट्रेट, नी उठाना है क्लैप,
शोल्डर स्ट्रेट स्ट्रेट, इस तरह से एक्सरसाइज हो। तो हम शुरू करते हैं, रेडी स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज में शोल्डर और लेग्स दोनों की एक्सरसाइज होती है। जैसे कि लास्ट पीरियड में मैंने बताया था आपको, हर एक एक्सरसाइज जितने सेकंड की होगी उतने ही सेकंड हमें क्या करना है, रेस्ट करनी है। तो वो फॉर्मूला यहां पे भी फॉलो करना है, जितने सेकंड हम एक्सरसाइज करेंगे उतने सेकंड क्या करेंगे, हम रेस्ट करेंगे। तो वापस मैं ये एक्सरसाइज एक बार दिखाता हूं, रेडी स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जैसे ही हमारा रेस्टिंग टाइम खत्म होगा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चले जाएंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हिप स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हैंड्स को शोल्डर लेवल सीधे करना है और पैर को उठाना है राइट साइड से सरकर, राइट लेग को लेफ्ट साइड से टर्न करके उसके अपने जगह पे लेके आना है। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और हमें एक्सरसाइज करनी है। एक बार वापस देखो एक्सरसाइज कैसे करनी है। हैंड्स शोल्डर में स्ट्रेट रहेंगे बिल्कुल सीधे, पैर को उठाना है राइट साइड से सर्कल करके वापस अपनी जगह पे, लेफ्ट लेग को उठाना है सर्कल बना के नीचे। यानी ये एक्सरसाइज में हमारे लेग्स के जो जॉइंट्स है यहाँ पे, इस हिप यहाँ पे ये जॉइंट है इसकी एक्सरसाइज होगी। तो ये अंदर ही उसका सर्कल कल होगा, सर्कल घूमेंगे यहाँ पे तो जॉइंट की एक्सरसाइज होगी। तो चलो शुरू करते हैं। राइट और लेफ्ट करके हमारे दो लेग हैं, तो एक लेग के हमने 10 टाइम्स और दूसरे लेग के भी हमें 10 टाइम करने हैं। तो टोटल मिला के 10 + 10 = 20 होते हैं। हमें ये 20 काउंट्स करने हैं। जो हमको समय दिया है, जो आप करने वाले अगर आप 5 5 10 भी कर सकते हो, 10 10 20 कर सकते हो, 15 15 30 कर सकते हो, डिफेंड आपके ऊपर है। लेकिन जितने समय आप एक्सरसाइज करोगे उतने ही समय आपको रिकवरी के लिए रेस्टिंग टाइम लेना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंब। इस तरह से हमारी बॉडी को बनाना है और लेग को आगे बढ़ाना है इस तरह से। लास्ट ये एक्सरसाइज आपको पहले भी सिखाई है, लेकिन आज जो हम ग्रुप कर रहे थे, जो ग्रुप है लेग और स्टमक, उसमें भी ये एक्सरसाइज इंक्लूड है। तो इस वजह से ये एक्सरसाइज हमारी रिपीट हो रही है। ये एक्सरसाइज आपको सबको पता है। रेडी स्टार्ट। ये थे हमारे आज के 3 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बचे हैं वो नेक्स्ट पीरियड में हम लेंगे। आज हमने टोटल 3 नए एक्सरसाइज सीखे और 4 पुराने जो एक्सरसाइज हमने सीखे थे छुट्टियों के पहले उनका हमने रिवीजन किया। तो टोटल मिला के हमने 7 एक्सरसाइज सीखे हैं। उनके नाम एक बार मैं वापस आपको रिपीट करता हूं। नीट टक क्रंचेस, लेग ड्रॉप,
नी ड्राइव, प्लंक, हाई नी जैक, हिप स्वेल और माउंटेन क्लाइंबर। ये थे हमारे आज तक सीखे हमने 7 एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज का ग्रुप है हमारा लेग और स्टमक। जो एक्सरसाइज हमने आज सीखे है और जिसकी प्रैक्टिस की है वो सारे एक्सरसाइज का ग्रुप है लेग और स्टमक। जो लेग और हमारे स्टमक के ऊपर वर्कआउट करते हैं इसलिए लेग स्टमक के ग्रुप में एक्सरसाइज आती है। हर एक बॉडी के पार्ट के अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं। आज हमने जो एक्सरसाइज किए उसमें कुछ सिमिलर एक्सरसाइज थे जो आपने इसके पहले भी किए लेकिन इस ग्रुप में वो इंक्लूड है। तो चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ग्रेड में बचे हुए एक्सरसाइज के साथ।